हमारे पास कामों की एक लंबी लिस्ट होती है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए टाइम ही नहीं होता। सफल लोग सारे काम करने की कोशिश नहीं करते, वे सबसे इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस करते हैं और फिर लगन के साथ उसे पूरा करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग, हिंदी में सबसे मुश्किल काम सबसे पहले से, टॉप 10 टिप्स आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और किसी भी काम को जल्दी कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के काम की बात। नंबर 1, हर दिन की योजना पहले से बना लें। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको किसी हाथी को खाना हो तो कैसे खाएंगे? जाहिर है, आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ही खा सकते हैं। ठीक ऐसा ही आप अपने गोल्स के साथ कर सकते हैं। जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज्यादा आसान रहता है। इसके लिए ऑथर हमें 6P फॉर्मूला बताते हैं। ये कुछ ऐसे हैं: प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। ऑथर कहते हैं कि आप अपने नेक्स्ट डे के टास्क को लिख लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाएगी। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप ये लें कि वो सारे स्टेप लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए, और जब आप इन स्टेप पर काम करो तो जो हो जाए उसे लिस्ट से हटा दो या काट दो, जिससे आपको फील हो कि टास्क पर आपका पूरा कंट्रोल है। नंबर 2, हर काम में 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें। इमेजिन करो कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट PPT स्लाइड बॉस के लिए तैयार करना है और आपका लंच टाइम हो रहा है, तो आप पहले क्या करोगे? जाहिर सी बात है, बॉस की PPT का स्लाइड बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही 80-20 रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है, इसीलिए हमेशा इम्पोर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिसकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज्यादा हो। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे इम्पोर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। नेक्स्ट, ABCDE मेथड का लगातार इस्तेमाल करें। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ए आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉग है। बी वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सी ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। डी एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। ई वो टास्क है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, और ये आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। आपको काफी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दें और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुकें। नेक्स्ट, स्टार्ट करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। जैसे आप किसी मील को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीजें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और अप्रोच बच सके, यही सेम चीज वर्किंग के साथ भी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले हर चीज अरेंज कर लें, इसे जितना हो सके उतना आरामदायक बनाएं, ताकि जब आप स्टार्ट करें कोई भी चीज आपको रोक ना सके। अगर आप तैयार नहीं है फिर भी काम शुरू कर दीजिए, अपना 80% जॉब पूरा कीजिए, फिर करेक्शंस बाद में कर लीजिएगा। अपने माइंड में फियर को आने ही मत दीजिए। नेक्स्ट, अपनी योग्यता बढ़ाओ। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो सीखना कभी ना छोड़ें, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन्हें दूर करें और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें, और लर्निंग तो कभी ना छोड़ें। दोस्तों, दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है। ये 3 स्टेप है जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट डेली पढ़ें। इसके बाद उससे रिलेटेड कोर्स या सेमिनार अटेंड करें ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो जाएं। और फाइनली, अपनी कार में ट्रैवल करते हुए ऑडियो प्रोग्राम सुनें। नेक्स्ट, अपनी विशेष योग्यताओं की लिवरेजिंग करें, यानी कि लिवरेज योर स्पेशल टैलेंट। खुद से लगातार ये सवाल पूछते रहें कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मुझे किस काम में मजा आता है, और पास्ट में कौन सा काम मेरी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा है। अगर मैं कोई काम बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ तो वह कौन सा होगा? हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होता है और वो उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नरिश करता रहता है। यानी यूनिक वैल्यू को जानो और फिर उन्हें नरिश करो।
नेक्स्ट, अपनी बाधाओं को पहचानें। सफल लोग हमेशा बाधाओं का विश्लेषण इस सवाल से स्टार्ट करते हैं, मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रखा है। वे अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी समस्या के कारण और समाधान दोनों ही के लिए अपने भीतर झांकते हैं। सीमित करने वाले योग्यता का अपने भीतर पता लगाने के लिए आप में गहराई से झांकने की ईमानदारी होनी चाहिए। यह वह योग्यता है जिससे लक्ष्य हासिल करने की आपकी गति तय होती है। पूछते रहें, मेरे मनचाहे परिणाम पाने की गति किस चीज से तय होती है। आपके लिमिटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं, जैसे कि क्वालिटीज और एबिलिटीज, और 20% होते हैं, जैसे कि आपके कंपटीटर्स। नेक्स्ट, खुद पर दबाव डालें। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें वैसा इंसान बनने के लिए प्रेरित करे जैसा वे बनना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। ये लोग उस सड़क पर बस का इंतजार कर रहे हैं जहाँ से कभी कोई बस गुजरती ही नहीं है। अगर वे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और खुद पर दबाव नहीं डालते तो वे हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। सिर्फ लगभग 2% लोग बगैर किसी सुपरविजन के काम कर सकते हैं। इन लोगों को हम लीडर्स कहते हैं। आपको भी ऐसा ही व्यक्ति बनना है और आप ऐसे बन भी सकते हैं, बशर्ते आप ठान लें लीडर बनना है तो खुद पर प्रेशर डालना होगा, देर तक काम करने की हैबिट बनाना होगा, खुद को आगे बढ़ाने का मौका देना होगा। नेक्स्ट, अपने पर्सनल पावर को मैक्सिमाइज करें। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो एनर्जी पैदा करने के लिए भोजन, पानी और विश्राम का उपयोग करता है, और इसी एनर्जी से आप अपनी लाइफ और जॉब्स के इम्पोर्टेंट काम करते हैं। काम के खत्म होते होते प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है। ज्यादा देर तक काम करने का मतलब है कि आप ज्यादा टाइम में थोड़ा ही काम पूरा कर पाएंगे। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो सारी रात जागना बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाइए और रेगुलर वेकेशन लेते रहिए। हेल्दी खाना खाइए, अपने डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए जरूर जगह रखिए। नेक्स्ट, खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचें, बोलें, जो कुछ आपके हाथ में होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालें। ऑप्टिमिस्टिक बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आप हर सिचुएशन में अच्छाई देखें, हर फेलियर में कोई लेसन देखें, हर परेशानी का कोई सलूशन देखें। ऑप्टिमिस्टिक लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। उनके माइंड में यही चलता रहता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये थे सबसे मुश्किल काम सबसे पहले की समरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए।